हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक हवेली है और इसी हवेली पे आए हैं हम आज घूमने के लिए। तो दोस्तों, ये किस जगह पे हूँ मैं और ये हवेली किस जगह पे है, ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा मैं, ताकि आप भी आ सकते हैं। और ये हवेली अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुकी है और ये रानी की हवेली कहा जाता है। और ये जो हवेली है, इस हवेली से एक गुफा निकल के हस्तिनापुर जाती थी। तो चलिए, आज हम आपको इसी के अंदर लेके चलते हैं आपको। आप देख सकते हैं, ये जो हवेली का गेट है, इसमें एक झंडी लगाई हुई है और यहाँ से बस थोड़ा सा रास्ता है, बस इसी रास्ते को से हमें अंदर जाना होगा। और आप देख सकते हैं पुराने गेट पर, और आज भी कितनी मजबूती से यहाँ पे खड़े हैं। तो अब फिलहाल हम इस गेट से आ रहे हैं। और दोस्तों, ये इसका मेन गेट है, और इस गेट से आप देख सकते हैं छोटे छोटे आले बने हुए हैं। और सामने देख सकते हैं दोस्तों आप, कितनी अंदर से कितनी सुंदर हवेली है ये। और सामने कुत्ते हैं और उनके बच्चे हैं, तो इस वजह से भी हमको भौंक रहे हैं, इसलिए हमें चौकस रहना होगा ताकि वे हमसे हमें काट ना लें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ कुत्ते हैं, और अपने रिक्स पे आके हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। अंदर से देखने में ये हवेली बहुत ही शानदार लग रही है, और देख सकते हैं आप, ये हवेली का मेन गेट है। देख सकते हैं इस हवेली के अंदर ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और एक ही कमरे के अंदर बहुत सारे आले बने हुए हैं। और अब ये पूरी तरीके से नष्ट होता जा रहा है। देख सकते हैं आप कि सारी कड़ियाँ टूट चुकी है, कच्ची कड़ियों का ये मकान था, और कड़ियों में ऊपर लखोरी ईंट अभी भी रखी हुई यहाँ पे दिख सकती है। और आप देख सकते हैं हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे एक गुफा है जो हस्तिनापुर निकलती है। तो अब चलते हैं हम उसी गुफा की ओर, और आपको दिखाते हैं, गुफा अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे की इस साइड में आप ये देख सकते हैं, हवेली के नीचे नीचे ये जो निशान बना हुआ है, ये यहाँ पे एक प्राचीन गुफा थी जो यहाँ से हस्तिनापुर निकलती थी। और अब यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस गुफा को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस गुफा को बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके से छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं। और वहाँ पे सामने जो देख रहे हैं, वहाँ पे एक जिन्ना था जिसके ऊपर सहायता से हवेली के ऊपर जा सकते थे। तो दोस्तों, आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कुत्ते जो हैं यहाँ पे, कुत्तों के बच्चे हैं, और यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो सावधानी से आना। तो फिलहाल दोस्तों, अब आ चुके हैं हम इस हवेली से बाहर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।